उपवास रखते इसलिए कि शरीर शुद्धि होते, शरीर की शुद्धि के लिए उपवास रखते हैं। जब शरीर शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन में प्रार्थना और अर्चना के लिए शुद्ध मन बड़ा सूक्त है। प्रार्थना अर्चना करने में फिर ऐसा जब उपवास रहते तो वो दत्त चित्त बन जाता है, एकाग्रता बनती है। इस कारण से कहा गया है नवरात्र हो या शिवरात्रि हो या करवा चौथ हो तो उपवास करो ताकि तुम्हारी प्रार्थना गहराई से आए, तुम्हारा ध्यान गहराई में उतरे, इसीलिए कहा। और ये भी शास्त्र में ये भी कहा है, यदि बालक है और बीमार है या बहुत वृद्ध है, इनके लिए वर्जित है उपवास। वृद्ध अबलाच बालक और रोगी, वृद्ध है बालक है या रोगी है, तुम्हें कोई बंदिश नहीं है, कोई बंदिश नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई इस तरह का करना ही है ये नहीं है। अपना शरीर को सुनो, ये बोला गया शास्त्रों में। इसलिए ये मत सोचो, मान लो पत्नी पहले से बीमार चल रही है, अब अरे करवा चौथ रखना है, कोई जरूरी नहीं है तुम्हें करवा चौथ रखने। फलाहार करो, कुछ तो खाओ, तुम्हारे लिए छूट है, एग्जेम्पशन है। इस शास्त्रों में भी में ही लिखा हुआ है सब, इसलिए घबरा नहीं, डरो नहीं। अच्छा है, सबका दीर्घायु की कामना करो, ये अच्छी बात है।